यार। बॉलीवुड अड्डा पहले ले ले। आ जाओ सर, आ जाओ। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। अरे बंद करना, कितना लेगा? शादी शादी है कुछ कर रहा है। अरे शादी नहीं, पागल हो गया। सबसे पहले तमाम मीडिया को दिल से शुक्रिया, डबल सलाम है। तो मीडिया ही है मेरे दिल की करीब, क्योंकि मीडिया अगर ना है तो ये गरीब आदमी नहीं है। तो सबसे पहले मीडिया को दिल से शुक्रिया। मैं थैंक यू बोलता हूँ मैं रिंपी श्रीवास्तव को, जिन्होंने मुझे इस गरीब को इतना अच्छा मौका दिया बिहारी बिग बॉस के अंदर होस्ट करने का। मैडम आपको दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू मेरे बड़े भाई के ऊपर ऐसे गुरु है मेरे बीच ये बैठे हैं, मशहूर सिंगर, एक अच्छे समाजसेवक, एक अच्छे इंसान, वो मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु शबाब जी, जो बड़े धमाल कमाल के एक सिंगर है, और मेरे और एक गुरु है जिनका नाम है न्यूज डायरेक्टर दामोदर राव। उसके साथ साथ ये डायरेक्टर साहब है, उनकी 3 फिल्म मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन आज हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं एजाज अहमद सर, जो बहुत अच्छा से अच्छा मतलब आर्टिस्ट को लेके वो काम करते हैं, और इतने खूबसूरत से काम करके इतने अच्छे से फिल्म को बना के रिलीज करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो एक ऐसा शख्स हमारे बीच है जिनका नाम है एजाज अहमद सर। मेरे 3 फिल्म में काम किया है, मेरी बाऊजी समान, एक ऐसे इंसान जिनको पूरी दुनिया उनको जानता है, जिसमें अमिताभ से लेके दिलीप साहब से लेके अभी तक वो काम कर रहा है, उनका नाम है बिरबल साहब। एक बार जोड़ा था वो ताली हो जाए। बिरबल साहब हमारे बीच आए हैं, उसके बाद हमारे बीच आए हैं होस्ट के कॉमेडी के ला 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 लाजवाब बी आशीष, बी आशीष जी आ जाओ भाई। ये हमारे जो है मेरा भाई, इसके अंदर अच्छा काम कर रहा है वो, हमारे और एक आर्टिस्ट यहाँ बैठे है। ये सभी ने बहुत मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे जो मैडम है, इन्होंने लिखा है इसको बिहारी बिग बॉस को, इन्होंने बोला कल्याण जी आपको होस्ट करना है। मैं तो बोला मैं बंगाली आदमी हूँ, हिंदी इतना मुझे नहीं आता है, तो बोला नहीं तुमको ही करना है होस्ट। और ठीक है मैडम, होस्ट भी कर रहा हूँ उसमें, एक्टिंग भी कर रहा हूँ उसमें। ये दबंग के लिए है ये शो, जिसका नाम है बिहारी बिग बॉस, ये हिंदी है, भोजपुरी नहीं है ना बिहारी है। और इसका डायरेक्टर है ये सर हमारा अहमद सर, और आज टाइटल ट्रैक है। और बस कुछ नहीं बोलना है, बस मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इतने सारे मीडिया के सामने मैं आज कुछ बोल रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे मीडिया है, चाहे वो अड्डा से लेके जितने भी हैं, सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं हो तो मैं नहीं। सर बिग बॉस का मतलब क्या आप सलमान सर को कॉपी कर रहे हैं? नहीं, सलमान सर तो मेरे गुरु है, क्योंकि सलमान जी को देख के मैं यहाँ पे आया हूँ, वो मेरे बड़े बड़े भाई है, मेरा गुरु है, और वो तो बड़े हैं, लेकिन उसकी पूरा अपोजिट है, मतलब जो बिहारी बिग बॉस जो है उसकी पूरी अपोजिट है, वो ऐसा नहीं है, और उसकी पूरी विस्तार करेंगे हमारे मैडम, उन्होंने लिखा है उसको बिहारी बिग बॉस को। और कोई कुछ ना कुछ बताना चाहिए, बिहारी बिग बॉस ही क्यों रखा आपने? मतलब बिग बॉस कलर्स का कॉपी है, क्या क्या है, मतलब कंटेस्टेंट भी रिवील कर दिया आप लोगों ने ना? सी द थिंग इज दैट के पहले अब ये मत सोचिए कि ये बिग बॉस की कोई कॉपी होगी, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जब मेरे पास आया ये तो आई वॉज वेरी शॉक कि इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड में आ सकता है। थैंक्स टू द राइटर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस
अपकमिंग सीरीज रिम्पी जी के इन्हें लगा कि एक प्रोफेशनल डायरेक्टर चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो दे अप्रोच मी और आई एम बीइंग अ फिल्म मेकर, मुझे लगा कि मुझे टीवी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को एक बार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो और ये बिग बॉस की कोई कॉपी नहीं है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक नाम एक को इंसिडेंट है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इट्स वेरी डिफरेंट और ये मिडिल क्लास ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। और आई होप कि हम लोग इसे बहुत अच्छे से बना लेंगे और मिडिल क्लास जो भी ऑडियंस है हमारी इंडिया की इसे बहुत लाइक करेगी। क्या है मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट जाएंगे 90 दिन तक रहेंगे कैद या क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है, हमने 90 डेज वाला कोई शेड्यूल नहीं रखा हुआ है, हमने कोई घर के अंदर वाला नहीं रखा है, हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करवाऊंगा क्योंकि ड्यू टू सम सर्टन रीजंस, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आपका मनोरंजन होगा। और हम लोग इस बार बिग बॉस को घर के अंदर न रखते हुए हम लोग बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों में हम लोग पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे, चाहे वो बॉम्बे हो, कोलकाता हो, बिहार हो, जहाँ भी है कि ऑडियंस हो, इंडिया की सारी ऑडियंस तक ये बिग बॉस बाहर पहुँचेगा। अब तक आपने देखा कि कंटेस्टेंट्स अंदर हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि बिग बॉस खुद भी कंटेस्टेंट को कंसिडर करने के लिए बाहर जाएंगे। और क्या एंटरटेन हो सकता है, किस तरह से मनोरंजन होगा, इसकी हम लोग खासी हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। और टुडे इज टाइटल सॉन्ग रिकॉर्डिंग और द वेल नोन सिंगर ऑफ आवर इंडस्ट्री शबाब साबरी साहब आज हमारे इसका टाइटल रिकॉर्ड करेंगे। सो एनीथिंग एल्स, हमारे बीच मेरे बड़े भाई काम का नेता अभिजीत राणा साहब आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी इनसे अपन शुरू करते हैं। किशन किशन पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूँगी पूरी मीडिया को, अपनी पूरी टीम को और जितने लोग हमारे बीच है उनको। मेरा कॉन्सेप्ट है जैसे कि सलमान खान जी है उनके बिग बॉस में ये दिखाया गया है, हाई फाई दिया है जगह रहने के लिए सबको, लेकिन मैंने अपने बिग बॉस में एक चटाई, एक गद्दा और दो तकिया दिया है मैंने, और एक बाथरूम दिया है जिसमें लड़ाई झगड़े करते रहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। हाँ, ज़्यादा अगर किसी को प्रेशर बनता है तो वो सबसे पहले लोटा उठाते हैं या डब्बा उठाते हैं, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर जाके अपना जो भी है वो करके आते हैं, और ब्रश नहीं कर पाते हैं, जो गांव से आए हैं ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम दतवन अवेलेबल किए हैं, दतवन तोड़ के और दतवन से वो लोग करते हैं। मतलब ये बिग बॉस जैसे ही होता है, स्वच्छ भारत कहाँ गया, स्वच्छ भारत कहाँ गया, नहीं घर के अंदर नहीं, घर के अंदर होगा, साथ ही साथ आप कह रहे कि टॉयलेट करके बाहर जाइए, घर के अंदर हमने मतलब की कैद करके नहीं रखा है, जैसे कि हमारे जो होस्ट करते हैं जो सलमान जी हैं, सलमान जाना जी हैं, वो लेके जाते हैं सलमान जाना, मेरा नाम इसमें सलमान जान है, गार्डन में लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट का बहुत दिक्कत है, तो आप लोग यहाँ अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो है फुल कॉमेडी, फुल मसाला, फुल फनी, फुल कॉमेडी, आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा, जैसे मीडिया भी हम एंट्री करेंगे मीडिया को, तो जो भी मीडिया आपको आना जाता है वो आ सकते हैं। नाम आज नाम लिखा है, आज नाम लिखा है, कब लिखा है, ऑडिशन कब करेगा, सभी को पहले एक कल काम कर लेना। सर कांग्रेचुलेशन, सर आपने अभी एक नया पद लिया है, साथ ही साथ आप यहाँ पर आए, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिहारी बिग बॉस की पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करता हूँ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर वो आज आप लोगों के सामने आए हैं, बहुत नामी लोग यहाँ पर है, और कल्याण जाना उसका करियर, उसने बहुत निचले स्तर से, मैं कामगारों का नेता हूँ, असंगठित संगठित वर्करों का नेतृत्व करता हूँ, और मेरे साथ में कल्याण के 15 साल से काम कर रहा है, कांदिली स्थित MG रोड से उसने उसका अपना करियर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचा है। महाराष्ट्र के और देश के अच्छे अच्छे लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, और बिहारी बिग बॉस के माध्यम से एक नई ऊंचाई उसने
पाई है, मैं उसको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। और ये जो शो है, ये शो को धड़क कामगार यूनियन, धड़क फिल्म यूनियन को यूनियन इनको पूरी तरीके से पाठिंबा देगी। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मगर मैं सिर्फ शुभकामनाएँ देने यहाँ पर आया हूँ। बिग बॉस कभी आपने देखा है? निश्चित तौर पर मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लोकप्रिय होगा। थैंक यू, थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर आदमी को धमकी आती है और फिर शुभकामनाएं भी आती है। आई डोंट वांट टू कमेंट, दिस इज दिस प्रोग्राम बिहारी बिग बॉस का प्रोग्राम है, तो आई डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई द टॉपिक। सब 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 तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के, तो ये फन आया है। क्या बात है। तो आज एक मकाम जो बनाया है आज के वक्त में, अभी तक ये लड़का ज़मीन से जुड़ा है और इतना प्यार, इतना खलूस, इतना अदब। आज का वक्त वो है कि एक छत के नीचे दो सगे भाई नहीं रह सकते, और इसका प्यार ये है कि ये 50 लोगों को इकट्ठा करता है, कॉन्सेप्ट तैयार करता है। जैसे आज लोग हम लोग सब लोग उपस्थित हैं महफिल में बिहारी बिग बॉस के टाइटल से। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक घर को जोड़ने वाली बात है। एक कॉन्सेप्ट तैयार किया मैडम ने, और ये हमारी खुशनसीबी है कि सर के साथ आज हम रूबरू हैं, और ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है बिरबल साहब और एजाज साहब और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर, जो बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन की है इसका टाइटल ट्रैक के लिए जो मैंने गाया है। बहुत खूबसूरत गाना आप जब सुनेंगे, क्योंकि ये बिहारी बिग बॉस और दबंग के चैनल पे है, तो कल्याण जाना को सिर्फ एक ही वॉइस पसंद है, वो कहता है बस शबाब साबरी, शबाब साबरी, शबाब साबरी। तो गाने की सर, गाने की दुल्हन इसी सी नहीं, गाना ही नहीं है। देखिए, मुझे जो देखते दाइस्ता नजर आ रहा है सामने, वो ये नजर आ रहा है कि बिग बॉस एक जो शोज आपने देखा हम लोग देखते हैं, वो एक अलग स्टेटेड एक लेवल अलग है, उसे हम लोग अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़ी चीज़ों को लेके गया कि यार फॉरनर में क्या क्या था, ये वॉल पे कैसे प्रिंट था, ये कैसे था। ये जो बिहारी बिग बॉस मुझे नज़र आ रहा है, उसमें खेत खलियान हमारे गांव का एक एहसास मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाकई इस इवेंट, इस शो के अंदर जब हम देखेंगे तो पुराने वक्त को अपन महसूस करेंगे कि हमारे गाँव में क्या होता है आज भी। तो वो लोग जो आज गाँव से, अपने शहर से दूर हैं, वो इसको देखकर ये खुश होंगे कि आज भी हमारे वतन के अंदर ये प्यार, ये मुक्की, ये खुलूस आज भी जिंदा है। जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी काम करते हैं कलाकार के काम के, क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए परिस्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि कला बहुत जरूरी है और कलाकार की सुरक्षा से जरूरी है। निश्चित तौर पर बिग बॉस का ट्रेडिशन रहा है कि वो शो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेशनल बनाते हैं, और उसका TRP बढ़ने के लिए बिग बॉस में काम करने वाले कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्त करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। अभी हमारी प्रोड्यूसर मैडम ने कहा कि वो लोटा और लोटा बाहर लेके जाते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ये इस शो का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे सर? मैं कल्याण जी को बहुत पुराना जानता हूँ, जब से इन्होंने काम शुरू किया है,
ये इसकी मेहनत है, इसकी लगन है कि ये यहाँ तक पहुँचा है और आज बिग बॉस में मेन रोल कर रहा है। और सबसे पहले मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ, और रिंकी जिन्होंने मौका दिया है और शायद मुझे भी दे रही है मौका। मैं पिछले 55 सालों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ और मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, उनको देखा है, सुना है। लेकिन क्या है, मैंने देखा जहाँ मेहनत सच्ची होती है ना, वहीं कामयाबी मिलती है। और मुझे एक ओम प्रकाश ने एक शेर सुनाया था, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ, मैं उसी के अंदाज में आपको बताता हूँ। बीरबल हजरत ध्यान से सुन, ये जिंदगी गमों का एक समुंदर है जिसमें हमें तैर कर जाना है। ये जिंदगी गमों का एक समुंदर है जिसमें हमें तैर कर जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर हाल में मुस्कुराना है। ओम जी ने मुझे सुनाया था और ये शेर मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में इतने गम हैं, लेकिन गम करने से गम दूर नहीं होते और हंसने से गम गम नहीं रहते। क्या बात, सही सर, सही सर। जी सर, आप बताइए सर, आप किस तरह के गाना है बिग बॉस में, बिग बॉस में गाने के बारे में, संगीत के बारे में, गीत के बारे में? देखिए, बड़ा तो बड़ा अच्छा माहौल है आज बिहारी बिग बॉस, बड़ा सुंदर यूनिक नाम है, तीनों में बी 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 है, बिहारी बिग बॉस। इसका सारा से कल्याण जी को जाता है, लेकिन उनसे पहले रिम्पी श्रीवास्तव जो प्रोड्यूसर है इसके लिए सर, क्योंकि रिम्पी श्रीवास्तव ने कल्याण जी को जोड़ा और कल्याण जी हमको जोड़े, क्योंकि कल्याण जी के मन में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे बताया सुभाष साबरी जी की, एक ही सिंगर सुभाष साबरी है, एक ही सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर है, तो इसके लिए पता नहीं एक संयोग है। तो कल्याण जी ने ये सारा जो आज इतना, और हकीकत ये है कि पहली बार, हमने काफ़ी सैकड़ों फिल्म किए, लेकिन आज इतना मीडिया के सामने पहली बार मुझे मौका मिल रहा है बोलने का, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कल्याण जी को, रिम्पी श्रीवास्तव जी, आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ। आज ये बिहारी बिग बॉस का गाना रिकॉर्ड होगा यहाँ सानुदा के स्टूडियो में। ये टाइटल है फिल्म के, सारे सिचुएशन को मद्देनज़र शब्दों को जोड़ा गया है, जो हरदम वो बजता रहेगा सिचुएशन वाइज, तो बिग बिहारी बॉस इसी टाइप का करके गाना, उसमें का आर्टिस्टों का नाम, कैरेक्टर का कुछ सिचुएशन वाइज, उसी जगह डिफरेंट गाना है, मतलब वो चलते रहेगा हरदम टाइटल। थैंक यू कुछ अच्छी चीजें भी बताएं। आई लव यू मीडिया, आई लव यू। जैसे कि हमारे इस बिहारी बिग बॉस में एक कैरेक्टर है निर्मल हत्यारे नाम है उनका, ठोक दूंगा, उनका एक ही है कि बोलोगे तो ठोक दूंगा। एक कैरेक्टर है जो जख्मी लाल है, जो भिखारी है, लैला नाम की लड़की होती है, जो उससे शादी करके उसको लूट लेती है, लूटने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, कटोरा लेके रोड पे बैठता है वो, और वही कहता है कि भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। उसी रास्ते से वो लड़की लैला गुजर रही होती है, वो क्या सोचती है कि चलो मैंने तो बहुतों को लूटा है, बेचारों को 10-20 रुपया दे देती हूँ। जैसे देने जाती है 10 रुपया, उसके बाउल जो है पैसे से, नोटों से, 10 के नोटों से भरे हुए हैं, अपना पैसा अंदर डाल लेती है, बट उसका पैसा निकालने जाती है, वहाँ पे वो हाथ पकड़ता है लड़का, फिर कहता है अरे लुटेरी, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा तूने, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वहाँ से फिर वो दौड़ाते हैं और फिर स्टेज पे। तो हमारे जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट है, और ना तो हमने पूरा भोजपुरी मिक्स किया है इसमें, और ना हमने कभी कोशिश किया कि सलमान खान जी उनका बिग बॉस है, हम कंपटीशन करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमेडी शो है मेरा, ये अलग ही है। सलमान खान का जो है बिग बॉस, उसके टक्कर में मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरा बिग बॉस है अलग है। हर घरों में हम आएंगे लोगों को हंसाने के लिए, बस उनका दिल बहलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, एक लड़की अकेला वो खड़ी हो रही है, आप लोग को सभी को दुआ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मुंबई शहर में, एक लड़की अगर वो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट वो बना रहे अपने दम से,
बहुत बड़ी बात होती है। जी जी जी, मैं चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई यहाँ पे आए हैं जो मैंने इनकी बहुत साल पहले एक फिल्म में काम किया था। सर आप कुछ बोलिए सर, प्लीज। मैं कुछ भी था शुक्र देने के लिए सर, आपने मुझे बहुत साथ दिया था सर, और हम साथ में एक्टर हमारे भी आए हैं इस फिल्म के जब, और बाद में सर तो हम सम्मान मिलेंगे से सत्कार करो ना सर, बाइक सर बोलिए सर, साइलेंस। क्या है बिग बॉस जो बन रहा है, उसके पब्लिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा मान्य मिले, सम्मान मिले, और हमारी मैडम जो पहली बार जो बनाना चाह रही है तो उनको भी मान सम्मान मिले, महिला होते हुए जो ये कदम उठाए हैं लोगों को ज्ञान मिले, इस हिसाब से मैडम का ये होना चाहिए कि उनका भी मान सम्मान बढ़े फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बाकी बिग बॉस सलमान खान का और हम लोग जो बना रहे हैं तो उसके मतलब कंपटीशन तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके तुलना से कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो कम उनसे भी। और बाकी कल्याण जी जाना तो हम लोग 15 साल से जानते हैं और वो शुरू से लेके आखिर तक रहे हैं और फिल्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज आगे बढ़े, हम लोग छोड़ दिए इसलिए थोड़ा हम लोग अपने साइड से हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपको, मीडिया को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू करना चाहूँगा, सारे जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे हैं। और उसके साथ में मैं कहना चाहूँगा सर, ये जैसे अभी बात हो रही थी कि बिहारी बिग बॉस क्या है, तो इट्स टोटली डिफरेंट विद द रियल बिग बॉस, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ टोटल कॉमेडी कॉन्सेप्ट। सो डेफिनेटली हम बहुत रॉक करने वाले हैं इन कॉमेडी सेंस। और अभी एक बीच में कुछ लोटे को लेकर आया था कि हमारे कॉन्सेप्ट में बंदा कैरेक्टर लोटा लेके बाहर जाता है, तो सर वो लोटा लेके जाता है बट वहाँ पे एक सफाई वाली बात है कि वहाँ पे जैसे स्वच्छता अभियान, तो जो बंदा होता है उसको माली भगा भी देता है कि भाई यहाँ पे ये कोई जगह नहीं है। सो सर दिस इज आवर कॉन्सेप्ट, हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी दुआएं, सभी लोगों का प्यार मिले, ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना वर्ल्ड पॉपुलर हो कि हम लोग यहाँ से अर्श से, सॉरी फर्श से अर्श पे चले जाएं। थैंक यू सर, आप बताइए। पहले नमस्कार सारे मीडिया को, सारे जो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये जो बिहारी बिग बॉस है तो इसमें फुल कॉमेडी है, ये फुल फनी है, देखेंगे तो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है। और मैं चाहूँगा कि हाँ जी, सबसे पहले बात तो मैं सबसे पहले मीडिया को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर वक्त आप लोग ऐसे हम लोगों को हाईलाइट करते हैं, इसलिए मैं फिर से दोबारा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहली बात मेरे दोस्त कल्याण जी का और रिम्पी जी का, मैं सब वैसे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और चलिए आइए, इन्होंने कहा कि बिग बॉस, बिहारी बिग बॉस, तीनों बिग बॉस और चौथा बिग बॉस, चौथा बी, तीनों बी और चौथा बी, मतलब बिहारी बिग बॉस और बी आशीष, मतलब चौथा। अरे बिल्कुल बी तो है बी, कल्याण बी जाना है, उधर भी बी, आप सुना दो, कुछ सुना दो, इधर भी बी। अच्छा तो टाइम पास ले। अच्छा अभी अभी किसी ने सवाल पूछा था, अभी किसी ने सवाल पूछा था कि ये शो का नाम बिहारी बिग बॉस, किसी ने पूछा था कि बिहारी बिग बॉस क्यों है, क्या है, ठीक है। अगर मैंने कल्पना की, अगर बिहारी बिग बॉस का जो ये सवाल है, अगर आपने लालू जी से पूछा होता तो लालू जी क्या कहते हैं, कैसे बताइए। लालू जी बताइए कि ये बिहारी बिग बॉस है, इनके बारे में क्या कहेंगे। शो का नाम है बिहारी बिग बॉस, और लेकिन ये कौन से चैनल पर, चैनल का बिहारी आदमी दबंग होता है, इसलिए सारा दबंग चैनल पर ही आएगा। और मैंने कल्पना की है कि अगर बिहारी बिग बॉस में, जैसे कि बिग बॉस में एक अलग आवाज होती है, बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं, उस तरह से अगर लालू जी की आवाज अगर ये बिहारी बिग बॉस में होती तो और मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि मान लो बोलते कि बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं, तो लालू जी कैसे बोलेंगे। बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि वहां लौटा लेके मत जाओ, वहां से सीधा लौट के आओ। चलिए हो गया, चीफ गेस्ट है मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र के, पूरी महाराष्ट्र के ताकतवर नेते, और जब भी कोई गरीब आदमी उनके पास आए, कभी किसी को धक्का मार के नहीं भगाया, उनको पहले खाना खिलाया।
पानी पिलाया, ठंडा पिलाया और जो भी उन्होंने मांगा उनको दिया, उसके बाद वो गया। तो ऐसे शख्स जो मुझे हर वक्त मेरे को साथ देते हैं, जब भी मैंने बोला सर मेरे पास आज कुछ पैसा नहीं है, सर सच बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे हेल्प किया, ऐसे ही मैंने मेरे बुरा वक्त में मुझे वो साथ दिया है। और मेरा बड़ा भाई जब भी जहाँ बुलाया वो आए, आज मैं जब भी कुछ हूँ मैं उनके वजह से हूँ। मैं सही में आप सभी के सामने बोलता हूँ, वो है मेरा बड़ा भाई अभिजीत राणे जो आज मंत्री बने हैं महाराष्ट्र में। कल्याण जी सीए है सिकंदर भाई जान, प्लीज कम खुश सर आइए। सिकंदर सर, सिकंदर सर बहुत अच्छे इंसान है, एक सीए है और हमें बिहारी बिग बॉस सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर आप आए, और मैडम थैंक यू। अभी ये मैडम आप देंगे हमारे शबाब जी को जो जाने वाने, और ये देने के लिए मैं चाहता हूँ आप दीजिए शबाब जी को। मेरे बड़े भाई सुपरस्टार इंडिया के नंबर वन सिंगर वो है शबाब सबरी साहब, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता हूँ मेरे बड़े भाई सिकंदर साहब को सम्मान करें। अभिजीत सर जरा यहाँ देखिए, सम्मान करेंगे हमारे अजाज अहमद सर को जो डायरेक्टर है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सर आइए सब फूल लोग सामने सेटअप लोग सर यहाँ पे ओके यार बहुत बढ़िया। आप करेंगे कल्याण जी जाना? नहीं नहीं आप करेंगे हमारे मी डॉक्टर मेरे बड़े भाई आइए सर। हाँ उसके बाद बिरोल सर को, बिरोल सर को वेरी गुड। यही है बिहारी बिग बॉस, और उसके बाद सम्मान प्लीज साथ में साथ में साथ में ले गया सर लोग यार मैम लोग यार कड़ा कड़ा भी। उसके बाद सम्मान करेंगे मैडम बी आशीष जी को, बी आशीष आइए 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 बी आशीष को कीजिए। बहुत बड़े कॉमेडियन है, कॉमेडियन कॉमेडियन क्या बात है, क्या बात है, छोड़िए ना हो गया ओके क्या बात है। अभी मैं ओ कल्याण जी, कल्याण जी कल्याण जी आपको स्वागत है आज आए हैं लेकिन मेरे गुरु के साथ सब सामने आ रहे हैं गुरु आए आए ये केवल जी रास्ता उठे भाई एक आइए आइए चलो। आई लव यू मीडिया एंड आई लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू। कल्याण जी जाना खूब आगे बढ़ो गरीबों का। एक मेरे पीछे आप बीच में ये ना क्या कहते हैं रिपी जी, बहुत बड़ी जी मेटालिक प्रोड्यूसर बन गई हैं आप, क्या कैसे कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में और कितना बड़ा चैलेंज है इसको कितना बड़ा चुनौती है ये प्रोड्यूस करना ये
बस मेरी लाइफ की ये पहली चुनौती है और मैं चाहती हूँ कि इसको आगे तक लेके जाऊँ। एक लड़की होके ही हिम्मत से लड़ रही हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, कोई साथ नहीं देने वाला है, बस कल्याण जी जाना है और इनके जैसे बहुत कुछ लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनके सहारे मैं आगे जाना चाहती हूँ और हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, इसको इसके अंजाम तक लेके ही जाऊँगी, बीच में स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। कल्याण जी जाना की वैक्सीन के मतलब ये क्या आकर्षण नजर आया जो उनको पहुंचा आपने नियुक्त किया? सबसे पहले उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे इंसान हैं कल्याण जी जाने जो हैं, गरीबों का एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और सबके दिलों का वो धड़कन है। और बाकी जो कलाकार उसके कौन कौन से कलाकार नजर आएंगे इसमें? कलाकार हैं ये केवी खारी का कैरेक्टर जो कर रहे हैं वो इधर ही हैं, इनका नाम है जख्मी और एक है बिहारी बाबू, दूसरा है जो रमेश गोयल जी कैरेक्टर कर रहे हैं उनका नाम है छैला, एक ठरकी है कैरेक्टर जो अभी हम लोग के बीच अभी नहीं आ पाएंगे टाइम से, आ गए तो ज़्यादा उनसे सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले सर को सम्मान करेंगे मैडम, सर फोटो सर यहाँ देना फोटो में। यस, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, जब मैं शूट करने गई थी वहाँ पे ये वरही फटा तो वहाँ पे हम लोग थे, हमारी टीम थी और वहाँ जो स्वागत किया लोगों ने दमदार एकदम पत्थर के साथ तड़ाक भड़ाक करते हुए एकदम दमदार पत्थरों के साथ स्वागत किया उन्होंने हमारे, फिर वकील साहब वहाँ पे आए उन्होंने मिले, काफ़ी सपोर्ट किए और बहुत हेल्प किए ताकि एक पल के लिए मुझे नहीं लगा कि हमारा कोई अपना यहाँ पे नहीं है, वो है ये हमारे वकील साहब, बहुत हेल्प किया बहुत, इसके लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी, ढेर सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी, बहुत सारे प्यार देना चाहूँगी। एक मिनट में मूव यहाँ ले लो। मैम पिंपी जी प्रोड्यूस करी शो को, कल्याण जी होस्ट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मुबारकबाद चाहेंगे आप? बहुत अच्छा शो है, मैंने जहाँ तक का, मेरे पास ये लोग शूटिंग के लिए आए थे हमारे फार्म हाउस पे सफल इक्विप में, तो आई थिंक मैं एक मेरे एंगल से, मेरा तो ये जॉनर नहीं है बट मेरे एंगल से जो मैंने देखा हर एक्टर का हर कलाकार का उसके अंदर उसका मेहनत उसका स्पिरिट उसका थिंकिंग उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे बहुत आई थिंक प्राउड फील हुआ कि ये कोई लड़की है जो मार्केट में अपने पैरों पे खड़ा हो रही है, बहुत अच्छा मेहनत भी कर रही है और जितने भी एक्टर हैं सब इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये शो भी अच्छा है और आई होप और आई प्लेस ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ऊपर वाले से भी, गॉड से भी, आप लोगों से भी कि ये शो बहुत अच्छा चले, बहुत बड़ा शो हिट हो जाए और बहुत अच्छा चले और अच्छा रहे, तो इस एंगल से सब लोग इसके अंदर अच्छे हैं, सब ने अपना टैलेंट को अपने आप को दिखाया है और अच्छा लगा मुझे और शो भी अच्छा है। तो वो सर आपसे जानना चाहूँगा कि किरदार क्या होते हैं उस किरदार को लेके? जी सर, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, आप लोगों को धन्यवाद, ये शो टोटली कॉमेडी है और इस शो में सब ने अपने तरीके से लोगों को हंसाने की कोशिश किया है, शो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बारे में ज़्यादा क्या बताएं, अब शो को आप लोग देखेंगे तो फ्री बोलेगा। और ये तो रिम्पी कर रहे हैं कि मतलब प्रोड्यूस कर रही हैं तो कैसे मारे बारे? रिम्पी जी एक लड़की हैं, महिला है, जो इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाने का कोशिश किया है तो पूरी टीम उनका सपोर्ट कर रहा और तहे दिल से कर रहा और हम लोग उनको हौसला देंगे दे रहे हैं कि आप चलिए हमारे साथ, आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, सभी लोगों ने अपना काम बड़े ईमानदारी से करने की कोशिश की है। एक्चुअली में मुझे ऐसा रोल मिल गया है कि एक ही लैला है, जितने भी करेक्टर हैं, चार पांच करेक्टर हैं, सभी लोग उसको पटाने के चक्कर में रहते हैं और मेरी एंट्री होती है तो ऐसे होती है हाँ, तो इस तरह से हम लोग वो कोशिश करते हैं उसको पटाने के लिए, जो जो काम मिलता है हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसका अंदाज कॉमेडी में होता है, जो भी चीज़ें होता है उसको करते हैं। क्या कहना चाहिए आपकी सिस्टर? अभी एक सीन था हम लोगों का, एक सीन था कि हमारे होस्ट ने, जो कल्याण जी कर रहे हैं, होस्ट ने कहा कि लैला को जो हंसा देगा लैला उसको किस करेगी, तो सबने कोशिश किया नहीं हुआ, लेकिन वो ठरकी ने हंसा दिया और उसके बाद लैला ने एक प्यारा सा यहाँ पे किस दिया, तो ये चारे जो करेक्टर थे, चारों जो और करेक्टर थे, इन लोगों ने सोचा लैला का किस तो मुझे नहीं मिला, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से किस लेने की कोशिश की,
और मुझे उठा के पटक करके पूरा वहाँ से किस जो है लेकर के सब लोगों को किस तो ज़्यादा दारू पीते इसलिए आपका नाम नहीं नहीं वो वाला ठरकी नहीं है ये तो वो ये आइटम को देखते ही ठरकी अपने मूड में हो जाता है हाँ ये पीने वाला अब पूछेगा पूछे ना शुभकामनाएं देना चाहिए चाहेंगे इनकी जो इन्होंने शुरुआत किया है भगवान के और ऊपर तक जाए आसमान छुए आपको लगा था कभी शो बना पाएंगे ऑफ कोर्स क्यों नहीं उन्होंने किया है काम करेंगे आगे भी करेंगे अभी भी करेंगे और ऊपर तक जाएंगे जिसका मन साफ होता है वो सब आगे बुलेट ही जाता है ऊपर ही जाएगा थैंक यू सर क्या कहना चाहेंगे मैं तो यही कहना चाहता हूँ तो मैं उनका जीजाजी लगता हूँ मेरे साली है मैं भगवान चोपड़ा वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे तक बड़े और उसका नाम रोशन हो ओके कभी आप आएंगे क्या बिहारी बिग बॉस नहीं तो अभी देखेंगे बाद में थैंक यू दोस्त